हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओलंपियाड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं ओमानास जर्नी। बताएंगे कि ओमाना ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी है। तो वो चाहती थी टूर करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, राधा के साथ, लेकिन राधा का राइट लेग फ्रैक्चर हो जाता है जर्नी से 2 दिन पहले। तो उन्हें अपना टिकट कैंसिल करवाना पड़ता है। टिकट कैंसिल करवाने के लिए वो बहुत रिक्वेस्ट करती है अपने फ्रेंड से कि तुम जाओ, तुम मत कैंसिल करवाओ। तो उसकी राधा की मदर ओमाना को समझाती हैं कि तुम जर्नी अटेंड करो और उस जर्नी के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको अपनी डायरी में लिखना और ले आना, तो राधा उसे पढ़ेगी और उसे अच्छा लगेगा। ओमाना मान जाती है तो वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। ओमाना स्टार्ट करती है अपनी जर्नी। तो ओमाना जर्नी में हम क्या देखेंगे कि ओमाना किस स्टेट से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। ओमाना स्टार्ट करती है गुजरात से, गुजरात के अहमदाबाद से। गांधीधाम स्टेशन होता है तो वो स्टार्ट करती है अहमदाबाद से, अपना जर्नी स्टार्ट करती है। 16 मार्च से ओमाना की जर्नी स्टार्ट होती है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, वलसाड, इसके बाद वो जाती है एनसीईआरटी में डिफरेंट जो इम्पॉर्टेंट स्टेशन है उसके विषय में ही उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वैसे वहाँ पे बहुत सारे स्टेशन पड़े होंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट स्टेशन है जिससे ओमाना ने अपने डायरी में भी बताया है उसी स्टेशन के विषय में हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। अहमदाबाद से वो जाती है वलसाड। अहमदाबाद ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। वलसाड कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में। वलसाड कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका, वलसाड। इसी लाइन में हम आते हैं मडगांव। मडगांव जो कि कहाँ पड़ता है? गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। ओके, तो जब वो अहमदाबाद से चलते हैं तो उसकी मदर अहमदाबाद में लगेज ली रहती हैं, बहुत भीड़ रहती है, लोग उसमें अपना सीट रिजर्व कर लेते हैं, अपने लगेज को प्रॉपर प्लेस पर अरेंज कर देते हैं, लेकिन जब टीट आता है तब ये लोग अपने टिकट को दिखाते हैं और प्रॉपर प्लेस पर बैठ करके अपने लगेज को अरेंज करते हैं। वलसाड में ये फूड लंच लेते हैं जिसमें ढोकला, फाफड़ी, खांडवी और राइस, नींबू राइस, ऐसे डिश रखे रहते हैं। और मडगांव में इन्होंने देखा कि मडगांव जो कि गोवा में है, गोवा से केरला तक 2000 ब्रिजेस और 92 टनल है। इन्होंने देखा कि गोवा से केरला तक, क्योंकि इनको कहाँ जाना है? केरला में कहाँ पे? कोत्तयम में। तो कोत्तयम में जाने के लिए इनको 2000 ब्रिज और 92 टनल क्रॉस करनी पड़ी है। तो गोवा से जब ये केरला जाते हैं वहाँ पर इनको 92 टनल और 2000 ब्रिज क्रॉस करनी पड़ी है, तब जाके ये केरला में गए हैं। तो उसके लिए कौन कौन से स्टेशन पड़े हैं? मडगांव के बाद यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र का एक रत्नागिरी। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो स्टेशन जिस स्टेट पे पड़ते हैं वो मेनली बताए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। रत्नागिरी के बाद ये लोग आते हैं कोझीकोड। ये कहाँ पे है? केरला में है। कोझीकोड केरला में है। यहाँ पर ओमाना के मासी का घर है,
तो मासी को मलयालम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्योंकि केरला में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। मलयालम में जो मासी, जो अगर हम अपनी मासी को, अपनी मम्मा की बड़ी बहन को क्या बुलाएंगे, मासी बुलाएंगे, वैसे यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज में अपनी मासी को क्या बुलाते हैं, वलियम्मा। क्या बुलाते हैं? वलियम्मा। तो ये कोझिकोड अपने वलियम्मा के घर पे जाती है। वलियम्मा माँ की बड़ी बहन होती हैं, ठीक है। कोझिकोड कहाँ पे है? केरला में है। केरला में उनकी मासी का घर है। तो जब ये लोग कोझिकोड उतरते हैं तो वहाँ से ये थोड़ी दूर पे इनकी मासी का घर रहता है, अपनी मासी के घर चले जाते हैं। कोझिकोड से तब जाते हैं ये कोत्तयम। कोत्तयम, कोत्तयम में कौन है? कोत्तयम केरला में है। कोत्तयम कहाँ पर है? केरला में है। वहाँ पर पहुँचने के लिए इनको कितने घंटे लगे थे यहाँ से यहाँ तक जाने में? टोटल इनको लगे थे 3 आवर्स। 3 घंटे में ये अपनी मौसी के घर से इनको कहाँ पहुँचना है? सस्पेंस, यस। उमाना जर्नी स्टार्ट होती है। उमाना अलग अलग स्टेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। इसके बाद वो देखती है फ्रॉम द विंडो, खिड़की से देखती है। तो ये आपका उमाना जर्नी में नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, फ्रॉम द विंडो। फ्रॉम द विंडो, फ्रॉम द विंडो में देखने पर उसने क्या क्या देखा? कुछ तो उसने क्रॉसिंग देखी। क्रॉसिंग में देखा कि कुछ लोग अपना इंजन क्रॉसिंग बंद होने के बाद भी इंजन ऑफ नहीं करते हैं, तो वहाँ का धुआँ पूरे इन्वायरमेंट में फैलता रहता है। चारों तरफ इधर भी पास, इधर भी लोग खड़े हैं, इस साइड भी खड़े हैं। जब दोनों साइड लोग अपने लगेज को लेकर खड़े हैं, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, वो लोग अपना इंजन ऑफ कर देते हैं, लेकिन जो व्हीकल वाले होते हैं वो अपना इंजन ऑफ ही नहीं करते हैं और उसका धुआं उड़ता रहता है। इससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी हो जाता है। उमाना ने ये भी देखा फ्रॉम द विंडो से कि जब वो वलसाड पहुंचती है तो वहाँ पर देखती है कि विंडो के बाहर बहुत सारी सूखी ज़मीन है, ब्राउन ब्राउन पूरा है, वहाँ पे खेती कैसे होती होगी। फिर इसके बाद वो कुछ दूर जाती है रत्नागिरी, जो कि महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी में देखती है कि यहाँ पे समुद्री एरिया है, कितना बड़ा समुद्र है, ये भी देखती है उमाना। उमाना फ्रॉम द विंडो से देखती है कि कुछ लोग वाइट कलर का ड्रेस पहने हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह वाइट कलर का, और वो रत्नागिरी में ही देखती है, वो वाइट कलर का ड्रेस पहने हुए हैं और टीका लगाए हुए हैं। ये कहाँ पे प्रचलन में है? यस, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में ये ज़्यादा फेमस है। वाइट कलर की साड़ी पहने रहते हैं और जेंट्स लोग होते हैं वाइट कलर की कमीज़ पहने रहते हैं, वाइट धोती पहने रहते हैं और टीका लगाए रहते हैं। यस, तो इस तरह से वो फ्रॉम द विंडो देखती है। लास्ट में उमाना को पहुंचना होता है रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। तो थर्ड चैप्टर उमाना के ही कंटिन्यूअस चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर्स हाउस, लास्ट में वो अपनी दादी माँ के घर पहुँचती है। तो उनकी दादी माँ का घर कहाँ पे है? कोत्तयम। अब वो लास्ट में अपने रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, जब वो लास्ट में अपने दादी माँ के घर पहुँच जाती है तो उसे अपने सफ़र तय करने में कितने घंटे लगे थे? तो उमाना ने 36 आवर, उमाना को कितने घंटे लगे थे पहुंचने में? 36 आवर्स में वो अपनी जर्नी कंप्लीट करी थी। ओके, ये है उमाना की जर्नी, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ स्टेशन। अब हम इनके कुछ लैंग्वेज के विषय में जानते हैं और कुछ फूड मटेरियल्स के। ओके, तो वलसाड फूड मटेरियल कौन कौन से होंगे और इनके लैंग्वेज कौन कौन से होंगे? जैसा कि सबसे पहले आप देख रहे हो अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है?
गुजराती, कौन सी बोल लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती। जब हम कर्नाटका में आते हैं तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कन्नड़। कन्नड़ कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कन्नड़। वहीं गोवा, मडगांव जब स्टेशन पहुँचती है जो कि गोवा स्टेट में है, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? यहाँ पे बोली जाती है कोंकणी। कोंकणी, कोंकणी लैंग्वेज हम गोवा में बोलते हैं। जब हम रत्नागिरी स्टेशन पहुँचते हैं, मीन्स वो महाराष्ट्र स्टेट में है, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? मराठी। कौन सा लैंग्वेज है? मराठी लैंग्वेज हम कहाँ पे बोलते हैं? महाराष्ट्र में। कोझिकोड जो कि केरला में है, कोत्तयम जो कि केरला में है, तो कोझिकोड से केरला कोत्तयम पहुँचने में हमको 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि हम 2 घंटे तो हम दो ऑटो बुक किया। इसके बाद वहाँ पर रिवर है कुंतीपूजा नदी, तो कुंतीपूजा रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें वल्लम का सहारा लेना पड़ा। जब ओणम, उड़ीसा में ओणम डांस देखते हो आप, एक बड़ी सी नाव होती है, ऐसे डिज़ाइनर नाव होती है, ऐसे होती है डिज़ाइनर नाव, इस साइड और इस साइड में लोग बैठे रहते हैं। ये सब, ये क्या, ये कौन सी नाव होती है? इसको बोलते हैं हम वल्लम, बड़ी सी नाव होती है। उसी तरह से वल्लम, छोटे छोटे वल्लम बना करके जिसमें 8 से 10 लोग बैठते हैं, जल्दी से अपनी रिवर क्रॉस कर लेते हैं। ओके, यही वल्लम आपने देखा था स्कूल, गोइंग टू स्कूल में बच्चे वल्लम, केरला में बच्चे वल्लम के सहारे अपने स्कूल जाते थे। उसी तरह से केरला में जब ओमाना को अपने दादी के घर जाना पड़ा तो उसे वल्लम भी लेना पड़ा था, मीन्स 2 ऑटो बुक किया था उन्होंने थोड़ी दूर पहुंचने के लिए, पूरी रास्ते तय करने के लिए उन्हें वल्लम भी यूज़ करना पड़ा था, तब जाके वो अपनी दादी के घर पहुंच गई थी। तो केरला में हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? केरला में हम यूज़ करते हैं मलयालम लैंग्वेज। उसी मलयालम लैंग्वेज में हम मासी को वलियम्मा बोलते हैं। ओके, तो जब आप केरला पहुंचते हो तो वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना? मलयालम, मलयालम लैंग्वेज। ओके, तो कोझिकोड, कोत्तयम ये कहाँ पे है? केरला में। अब हम कुछ टेस्टी डिशेस के विषय में जानते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी डिश खाई जाती है, कौन कौन से फूड मटेरियल का यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। तो जब हम आते हैं गुजरात में, गुजरात में तो अभी देखा आपने, जब उनकी मदर ने फूड पैक किया था अपने लंच बॉक्स में, तो क्या क्या पैक किया था? ढोकला, खांडवी, लेमन राइस और फाफड़ा, ये सब पैक किया था। तो कुछ आपके फूड हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं, जैसे कि ढोकला। ढोकला गुजरात का फेमस डिश होता है। लेमन राइस ये यहाँ अहमदाबाद का डिश होता है। जब आप कर्नाटका में जाते हो, कर्नाटका में आता है नीर डोसा। यहाँ पर नीर डोसा बहुत फेमस होता है। नीर डोसा चावल से ही बनता है, नीर डोसा मेनली चावल से ही बनता है। ओके, कर्नाटका में। वैसे आते हैं गोवा, गोवा का मेनली डिश क्या है? क्योंकि वहाँ पे समुद्र है, सी है, तो सी एनिमल्स को जो बने हुए से फूड मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा खाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर फिश खाई जाती है बहुत, फिश एंड सी एनिमल, सी एनिमल यहाँ पे खाए जाते हैं गोवा में, क्योंकि जो ज़्यादा हमारे यहाँ उगता है वही हम फूड मटेरियल में बनाते हैं। जब यहाँ पर पल्सेस नहीं उगते हैं, राइस नहीं उगती है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा लोग क्या खाएंगे? यहाँ पर फिश आइटम खाते हैं, सी एनिमल्स के आइटम खाते हैं। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, यहाँ पर बड़ा पाव खाते हैं सब, बहुत बड़ा पाव खाते हैं। पालम पूरी यहाँ पे एक डिश होता है, बहुत फेमस होता है महाराष्ट्र का। वैसे केरला में आते हैं, केरला में जो लोग होते हैं वो इडली और डोसा,
यहाँ की फेमस डिश होती है, इडली और डोसा यहाँ की फेमस डिश है। तो आपने देखा कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, कौन सी लैंग्वेज में एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हम कौन से फूड मटेरियल को बना करके उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो आपने इस चैप्टर को कैसे इंजॉय किया, आपने फूड मटेरियल्स को देखा, लैंग्वेज को देख लिया है, और ओमाना ने अपनी जर्नी 36 आवर्स में कंप्लीट की है। मडगांव पहुंचने पर उसने 92 टनल्स और 2000 ब्रिजेस भी क्रॉस किए हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। जब वो क्रॉस कर रही थी ओवर ब्रिज को, तो जैसे वो डर सी गई, क्योंकि पहली बार उसने 2000 ब्रिज क्रॉस किए थे। जब 92 टनल जब वो टनल क्रॉस कर रही थी, सुरंग में जा रही थी, तो वो एकदम घबरा जाती थी। अचानक से अंधेरा हो जाता था पूरा, फिर उजाला हो जाता था। ओमाना को बहुत इंटरेस्ट लगा टनल और ब्रिज को क्रॉस करने में। जैसे आप झूला झूलते हो, अचानक खूब ऊपर से चला जाता है, फिर नीचे जाता है, जब नीचे होने लगता है तब आप कितने घबरा जाते हो। उसी तरह से ओमाना भी जब टनल को क्रॉस कर रही थी, और जब लाइट से वो डार्क की तरफ जा रही थी, तो वो बिल्कुल घबरा जाती थी। यस, तो ये बहुत इंजॉयमेंट चैप्टर है, इसको आप कई बार देखेंगे, इससे आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द ओमाना जर्नी। हम स्टार्ट करते हैं वैली, द वैली ऑफ फ्लावर्स। Thank you.
प्लान बना लेते हो और उसका यूज़ आप अकेजन में सेरेमनीज में कर।
भी रैपर होता है, ये सब चीज़ें जो थ्रो करते हैं ना वाटर लीवर में, ना डाले इंडस्ट्री लेवल पे जो भी वर्क हो रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल है आप लीवर में ना फेंकिए, लीवर को स्वच्छ बनाइए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने वेस्टेज को किसी और जगह मोड़ करके एक बड़ा सा टैंक बना करके उसको स्टोर करिए, ठीक है, और ऐसा कोई प्रोसेस करिए जिससे उसका रिसाइकलिंग कुछ और प्रोडक्ट बनाया जा सके। जो वेस्टेज फेंके जा रहे हैं उससे कुछ और रिसाइकलिंग एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। इन सब का यूज़ करके हम अपने लीवर को, जो रोती हुई लीवर है बिल्कुल, उसको स्माइली फेस दे सकते हैं, हम अपनी लीवर को बचा सकते हैं। ओके, जैसे आप देखते हो बीमारियाँ होती हैं जब कोई गंदा जल पी लेता है।